हैं भ्रमर जी, अशोक जी, रिधर सिंह जी और साथियों। असल में पूरा सांस्कृतिक पत्रकारिता का प्रश्न है, थोड़ा सा जटिल है तो मेरे विचार से, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, और मैं दो बात, मतलब दूसरा हिस्सा मेरा ये रहेगा कि मैं थोड़ा सा कमेंट चूँकि पत्रिका जो पत्रिक जो अंक आया उसको भी करना चाहूँगा, और चूँकि मैं सौभाग्य से या लोगों के क्या कहा जाए इसकी सुविधा के कारण मुझे अंक समय पर मिल गया था तो मैं उसको उलट उलट के देख सका, थोड़ी सी टिप्पणी मैं उस पर भी करना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज स्थिति है संस्कृति की या समाज जो हमारे समाज में विशेषकर हिंदी समाज में, उसका मूल कारण मेरे विचार से यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी का मध्य वर्ग जो है वो अंग्रेजी में चल रहा है। मैं आपको उसका एक प्रमाण के तौर पर हाल का किस्सा बताता हूँ, बताता हूँ। अप्रैल महीने में मार्केज का देहांत हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 दिन तक अलग अलग तरीके से उसके बारे में छापा, उसे समाचार छापे। आप देखिए क्या हिंदी के किसी अखबार में छापा। हाँ, जनसत्ता और पास को छोड़ के जैसा कि कहा जा रहा है, हिंदी अखबार में छापा, लेकिन उस तरह से छापा जिस तरह से हुआ था, ये बात सही है, छापा बंदर था तो वो छापा है, लेकिन असल में मूल बात यह है कि अगर आपका समाज उन चीजों की मांग नहीं कर रहा है, उसके लिए असर्ट नहीं कर रहा है, तो नतीजा यह है कि आपको वही बाकी लोगों को वही मिलेगा मिलेगा, क्योंकि मध्य वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसके लिए अब हिंदी की कोई जरूरत नहीं होगी, हिंदी अखबार नहीं पढ़ता। अगर आप इसी बात को 50 साल पहले देखेंगे तो तब देखेंगे कि हिंदी का मध्य वर्ग हिंदी में था, उसको हिंदी से लगाव था, उसको आजाद होते भारत सरकार था, तब आप देखेंगे हिंदी में धर्मयुग जैसी पत्रिका निकली, तब आप देखेंगे साप्ताहिक निकला, सारिका निकला और विद्वान निकला। तो ये जो है, अगर ये होते, मतलब ये अगर जो दबाव हिंदी के मध्य वर्ग का होता तो ये सब कुछ वहाँ होता। तो इसलिए सबसे बड़ा जवाबदेह जो है अगर कोई है तो वो हिंदी का मध्य वर्ग है जिसने ये स्थिति पैदा की, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपको मैं एक उदाहरण से साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ तक सांस्कृतिक पत्रकार का सवाल है, वो जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि उसमें सिर्फ साहित्य नहीं है, साहित्य के अलावा जो भी संस्कृति के हैं, संगीत है, नाटक है, फिल्म है, वो सारी विधाएं, कम से कम चित्रकला है, सब उसमें आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हिंदी में जो पत्रिकाएं रही हैं शुरू से, उसमें से बहुत कम ऐसी पत्रिकाएं थी जो ये सारे विषय लेती थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वो कहानी, अधिकांश हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं कहानी की थी या कहानी की हैं, या वो कविता पर निकल करती हैं, या वो साहित्य से कमोबेश वो साहित्य पर रही, और बीच बीच में थोड़ा बहुत वो इन अन्य विषयों को भी लेती रही हैं। तो यह था, लेकिन आप एक आधा अखबार को छोड़ के कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो लगातार करती रही हैं, या आज़ादी से पहले जो शुरुआत थी, मैं ज़्यादा इतिहास को बहुत नहीं जानता, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि अगर आप सरस्वती वगैरह देखें तो वो तब की मजबूरी थी, और हिंदी का जो जो पूरा पूरा समाज था उसकी जो शिक्षा की स्थिति थी शायद 2-4-5-7% से ज़्यादा नहीं थी, तो जो समाज छोटा था और हिंदी पत्रकारिता का विकास हो रहा था, तो उस दौर में वो जो विषय थे वो जुड़े हुए सब एक से साथ का प्रस्तुत होने लगे थे, उनका क्लासिफिकेशन नहीं था, और विशेषज्ञ जो स्पेशलाइज जर्नल्स थे ऐसे कुछ तब निकलते नहीं थे। तो ये जो बात थी, तो अब देखेंगे कि आज़ादी के बाद से सिर्फ 2 या 3 पत्रिकाएं ऐसी रही हैं जो मूलतः साहित्य के अलावा संस्कृत को बेहतर संदर्भों में वो देखती थी। पर अगर आप 60 के दशक को छोड़ दें, 70 दशक को छोड़ दें, उससे पहले आप देखेंगे तो फिल्मों पर हिंदी पत्रकारिता में या चित्रकला पर हिंदी पत्रकारिता में उस तरह से चर्चा नहीं होती थी जैसी चर्चा उसके बाद हुई। उसका कारण एक बात सबसे बड़ा ये था, वो था दिनमान नाम की पत्रिका जिसने एक तरह से बिल्कुल पायनियरिंग काम किया, उसने बिल्कुल पत्रकारिता में जैसे गंभीर विषय को लाना शुरू किया, गंभीरता से लाना शुरू किया।